राम राम जी। हरियाणा एग्ज़ाम लर्निंग पीडीएफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे जुलाई के बारे में। जुलाई में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट डे आते हैं तो उनकी आपको सभी की डिटेल्स मिलेगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फाइल के लिंक मिलेंगे, वहाँ से आप अपनी पीडीएफ फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी में ऐड करें। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए नज़र डालते हैं अपनी पीडीएफ फाइलों पर। जुलाई इंपोर्टेंट डेज, जुलाई के महत्वपूर्ण दिन। 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा डाक व कर्मचारी दिवस। 1 जुलाई प्रत्येक वर्ष भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य है कि चिकित्सा में कार्यरत डॉक्टरों को उचित सम्मान दिया जा सके और चिकित्सा के महत्व को समझाया जा सके। 1 जुलाई भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि डाक सेवा में कार्यरत लोगों को सम्मान प्रदान किया जा सके। 1 जुलाई कनाडा राज्य का निर्माण 1 जुलाई 1867 में हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष कनाडा इस दिन को कनाडा दिवस के रूप में आयोजित करता है। 1 जुलाई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के लिए संसद ने 1 जुलाई 1949 को एक कानून पारित किया था, इसलिए इसलिए हर साल इस दिन को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे के रूप में भारत में मनाया जाता है। 1 जुलाई प्रत्येक वर्ष अमेरिका में 1 जुलाई को राष्ट्रीय अमेरिकी डाक टिकट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके जरिए याद किया जाता है कि 1 जुलाई को डाक टिकट का प्रारंभ हुआ था। 2 जुलाई विश्व यूएफओ दिवस। 2 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि वह ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। 4 जुलाई यूएसए स्वतंत्र दिवस। 4 जुलाई 1776 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, इसलिए इस दिन को वहां पर यूएसए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जूनोसिस जैसी बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। भारत में 9 जुलाई 1949 को विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि छात्रों को अपने देश की समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित किया जाए। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जनसंख्या के मुद्दों पर ध्यान दिया जाए और जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक किया जाए। 12 जुलाई राष्ट्रीय सादगी व पेपर बैग डे। इस दिन हेनरी डेविड थोरा को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया जाता है। हेनरी डेविड एक लेखक, दार्शनिक, इतिहासकार और विकास आलोचक, सर्वेक्षणकर्ता आदि थे। 12 जुलाई प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को पेपर बैग डे आयोजित किया जाता है। इसे आयोजित करने का उद्देश्य है कि हम पेपर बैग के महत्व को समझ सकें और पेपर बैग का प्रयोग करने के लिए लोगों को जागरूक कर सकें। 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस आयोजित किया जाता है, ताकि न्याय के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। 18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस को आयोजित करते हैं। इस दिन को नेल्सन मंडेला, जिन्होंने दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए मार्ग दिखाया था, उनकी याद में मनाया जाता है। 24 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस। प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को नवीन
उमा उच्च गुणवत्ता वाले व कम लागत वाले प्रभावित थर्मल प्रबंधन और इसके पैकेजिंग प्रदान कर सकें। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। भारत में कारगिल युद्ध 26 जुलाई को समाप्त हुआ था। यह युद्ध पूरे 60 दिनों तक चलता रहा था, इसलिए इस दिन को याद रखने के लिए हम प्रत्येक वर्ष विश्व कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि उन सैनिकों को सम्मान प्रदान कर सकें जो उस युद्ध भूमि में शहीद हुए थे। 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण व विश्व हेपेटाइटिस दिवस। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य है कि हम प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कर सकें और एक स्वस्थ वातावरण की नींव रखी जा सके। 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के साथ ही इस दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में जागरूक कर सकें। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि बाघों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। जुलाई के चौथे रविवार। प्रत्येक वर्ष जुलाई के चौथे रविवार को राज्य माता पिता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है यही है कि हम अपने माता पिता को सम्मानित कर सकें। जुलाई महीने के चौथे गुरुवार। भारत में प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने के चौथे गुरुवार को राष्ट्रीय जल ग्रहण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि हम जल के महत्व को समझा सकें। तो यहाँ पे आगे आ गया है तिथि और इम्पोर्टेंट डे। यह आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यही पीडीएफ फाइलें मिलेगी, यहाँ से आप डाउनलोड करके और अपनी स्टडी में ऐड करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। आगे नज़र डालते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरों पर जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब आयोजित किया जाता है? 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के साथ और कौन सा दिवस आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। कनाडा दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? 1 जुलाई को। चार्टर्ड अकाउंट डे किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को। राष्ट्रीय मेरी के डाक टिकट दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? 1 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व UFO दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 जुलाई। 4 जुलाई को कौन सा दिवस आयोजित किया जाता है? US स्वतंत्रता दिवस। भारत में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जुलाई। 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या आयोजित होता है? विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व सादगी दिवस। 12 जुलाई को विश्व सादगी दिवस के साथ और कौन सा दिवस आयोजित होता है? पेपर बैग डे। फ्रेंच नेशनल डे कब आयोजित किया जाता है? 14 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 18 जुलाई को कौन सा दिवस आयोजित होता है? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। भारत में कारगिल विजय दिवस किस दिन आयोजित होता है? 26 जुलाई। जुलाई के चौथे रविवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिवस आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय माता पिता दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब आयोजित किया जाता है? 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के साथ और कौन सा दिवस आयोजित किया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। तो आपके पीडीएफ यहाँ पे एंड हो चुके हैं। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा राम राम।